डियर स्टूडेंट्स हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं चैप्टर फोर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान की आज हम उसमें करेंगे कैपिटलाइजेशन एंड हम क्यों कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन करते हैं यानी इसलिए करते हैं कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं राइटर्स यूज कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स टू हेल्प द रीडर बेटर अंडरस्टैंड What is written? जो लिखने वाल होते हैं वो कैपिटल पंक्चुएशन का मार्क्स के निशान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाले को बेहतर आसानी हो सके लिखे हुए अलफाज की समझ आ सकेपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन सेंटेंस जैसे दे अरेज स्पीच कॉम्पिटिशन उन्होंने एक तकरीरी मुकाबला मुनदद कराया तो दे से जो है वो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम टी जो है वो कैपिटल करेंगे ठीक है तो पहला रूल है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस हर सेंटेंस का शुरू करने का पहला लव, हरफ जो होता है वो कैपिटल होता है या अपर केस होता है जैसे दे अरेंज में टी जो है वो कैपिटल है नेक्स्ट है कैपिटलाइज डेज मंथ्स हॉलीडेज एंड स्पेशल डेज दिनों महीनों छुट्टियों के और स्पेशल दिनों के नाम जो है ख़ास दिनों के नाम वो बड़े होते हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान तो इसमें भी हमने देखा हमने कैपिटल से शुरू किया फिर आप देखें कि अगस्त महीने का नाम है तो वो भी कैपिटल से शुरू हो रहा है हालांकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है प्रॉपर नाउंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स प्रॉपर नाउंस नाम जो है जैसे पाकिस्तान है कंट्री का नाम है तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है नेक्स्ट है पाकिस्तानीज आर ब्रेफ पीपल प्रॉपर नाउंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स जैसे पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तानीज जो हैं वो पाकिस्तान के रहने वालों को कहते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड द लास्ट वर्ड एंड ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन एनी टाइटल किसी भी चीज़ के टाइटल के जो इम्पोर्टेंट या फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड फाइव तो इसमें इंग्लिश टेक्स्ट बुक हर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके हमने लेटर कैपिटल किए इसी तरह अब ये स्टोरी है टू लिटल किटन्स तो इसमें भी टू लिटल किटन्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं इसी तरह स्पेशल पर्सन भी एक स्टोरी है तो उसमें भी हम एस भी कैपिटल करेंगे और पी भी उन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज जैसे आप देखें कि यहाँ पे दो दफा सेंटेंस में आई आया तो जब भी आई आएगा प्रोनाउन तो कैपिटल लिखा जाएगा हमने अभी रवियन कियाता तो है की इट इज आ रिमाइंडर हमें कुरान मजीद जो है वो नसीहत करता है अगर हमारा दिल जो है वो जिंदा है और हम जो है वो आ, अटेंटिवली कॉन्शियस से अपने ज़मीर के साथ ज़िंदा है तो हमें क़ुरान को रोज़ पढ़ना चाहिए तो आप उर्दू इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो कुरान को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि पता चले कि कुरान हमें किस चीज़ की दावत देता है कुरान सीधे रस्ते की दावत देता है अल्लाह का तारुफ है अल्लाह की भेजी हुई किताब है अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने रोजाना कम अज कम तीन आयतें तर्जुमे के साथ पढ़नी है अब हम आ, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपकी बुक में ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इनको हमने पंक्चुएट करना यानी इनके देखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा कहाँ से कैपिटल लेटर शुरू होगा ताशिफ इज रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप अर्थ सेफ आप देखें ताशिफ जो है वो नाउन है लड़के का नाम है और हाउ टू कीप द अर्थ सेफ एक बुक है जि, जिसका टाइटल है तो किताब पढ़ रहा है हाउ टू कीप द अर्थ सेफ तो हम इसमें ताशिफ से सेंटेंस भी शुरू हो रहा है टी भी कैपिटल लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है टाइटल के वो भी हमने कैपिटल किए हाउ टू कीप द अर्थ सेफ कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन सेंटेंस हम ये रूल पहले पढ़ चुके हैं तो हमने ताशिफ का टी जो है वो बड़ा कर दिया इसके बाद है हाउ टू कीप द अर्थ सेव हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड द लास्ट वर्ड एंड ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन एनी टाइटल तो इसलिए हमने हाउ टू कीप द अर्थ सेव के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कैपिटलाइज किया है द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज ऑनेस्टी इज द बॉल बेस्ट पॉलिसी जो ईमानदारी uh, है वो बेस्ट पॉलिसी है तो इसमें द टाइटल ऑफ माई द से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसलिए हमने टी uh, बड़ा किया और फिर हमने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है तो ये टाइटल के जो लफ्स हैं उनको कैपिटलाइज किया है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो आप भी हमेशा सच बोलें अपनी जिंदगी में क्योंकि एक मुसलमान जो अल्लाह पे ईमान रखता है वो कभी झूठ नहीं बोलता ये हदीस के अल्फाज हैं द डव एंड एंट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी डव फाख्ता को कहते हैं एंड चूंटी को कहते हैं ये एक स्टोरी है तो इसमें भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट जो टाइटल होते हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कैपिटलाइज करते हैं हम दस सेंटेंस शुरू हो रहा है डाव एंड आंट दोनों के जो पहले हर्फ है उनको कैपिटलाइज करेंगे उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें